ये देखिए, ये मस्जिद बन रही है और इससे सीमेंट ऊपर जा रहा है। जो माल बनाते हैं ना, सीमेंट, बजरी, पत्थर, वो अब इसकी छत पर डाला जाएगा। ये देखिए, ये ट्रक है यहाँ पे, और ये भी अपना यहाँ से सीधा करेगा, फिर वहाँ से ही टेढ़ा करेगा। इसमें बहुत सारे गियर्स होते हैं। ये देखो, नीचे माल बन रहा है। इसके अंदर माल तो यहाँ पर बनकर ही आता है, फैक्ट्रियों से आता है। मैं इस रोड पर जाकर वापस हिला कर खड़ा करता हूँ ताकि सीधा हो जाए। वो मुझे दिखा दो इतनी देर। मीनार, उस मीनार तक माल पहुंचाने के लिए यहाँ पर ये क्रेन इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये माल जो जमा हो रहा है, ये नीचे भी दिखाना, माल जो इसमें आता है, बाहर शहर से बाहर फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं, वहाँ से इन गाड़ियों में माल आता है और फिर जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। अब ये ऊपर तक दिखा, पूरा ज़बरदस्त तरीके से फोकस होता है तुम्हारा ऊपर, नीचे से ऊपर फोकस लेकर जाओ। मीनार का लेना, वहाँ पर माल पड़ेगा। कब की कार है गाड़ी का, चलो बंद कर देते हैं। तो यूँ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होती है, इसलिए बहुत तेज़ हो जाती है। जो माल बनता है बाहर फैक्ट्री में बनता है, इस माल को उर्दू में तो माल ही कहते हैं, पता नहीं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एसफाल्ट कहते हैं शायद। तो एसफाल्ट की फैक्ट्री लगी हुई है शहर से बाहर, और उसके बाद जो है ये गाड़ी में आकर ऐसे, कल हमारे घर के पास भी एक घर की बुनियाद के अंदर पड़ा था ना, तो एक ही दिन में ठकक करके हो जाता है सारा काम। पढ़ते हुए देखो कब स्टार्ट करेंगे, टाइगर पर पहुँच गया। फिर यहाँ से जो है ना, वो जैसे मोटर चलती है वैक्यूम क्लीनर की, या कोई पंप चलता है, नीचे से जो है पंप चलता है और वो पानी नीचे से उठाकर ऊपर की मंजिल पर डालता है। ये कितना मंजिला होगा, 2 मंजिला 3 मंजिले तो मस्जिद की हैं, ठीक है। फिर चौथी, इसको काउंट कर लो, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, वो पूरा पूरा फ्लोर काउंट करोगे जो, है 5-6 फ्लोर तो है ही है इसकी हाइट। 1 2 3 अब ये देखो बंदा ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ पर नजर आ रहा है तुम्हें, ये 20 वाले फ्लोर से ये चढ़ रहा है, ये उधर गया। इसको फोकस करो बंदे को, बंदा वहाँ से जो है और क्लियर करने, तो बाहर निकल जाओ गाड़ी से। नहीं सही है यार, सही है। वहाँ से पाइप को पकड़ेगा और यहाँ से जो है, और ये इतना पाइप को पकड़ने वाला आदमी होता है एक, अब ये आदमी भी एक्सपर्ट है, इतनी हाइट पर काम करने वाला एक्सपर्ट है ये। खड़ा कैसे होगा ये वहाँ पर? अच्छा, आखिरी जो तख्ता लगा है ना, वो उधर लगा हुआ है तख्ता, नज़ारा है जिस पर वो खड़ा होगा। देखो क्या होता है, कह रहा है योर डिवाइस इज ओवरहीटेड। ओवरहीटेड एसी चला दो, जल्दी ओवरहीट कैसे हो गई, गेम खेल रहे थे। ये देखो टॉप पर पहुंच गया बंदा, और भी ऊपर चढ़ रहा है। ये देखो जाने आज कहाँ पर चढ़ गया, टाप पर टाप चढ़ गया, नजर आया सुराख में से। जी, थोड़ा सा नीचे करेगा, नीचे जो है ना, अभी इस क्रेन का चलाने वाला है ये एक्सपर्ट आदमी है,
اگر یہی کرین پاکستان میں امپورٹ کر لی جائے. یہ دیکھیے وہاں چڑھا ہوا. ہاں وہی وہی کہاں پہنچ گیا یار یہ. اس کو ہائٹ کا ڈر نہیں لگتا. اچھا اس کے منہ جو ہے بند تھا, ربڑ لگا ہوا تھا پائپ کا, وہ اس نے کھولا ہے ابھی. یہاں سے وہ واٹر پمپ چلائے گا, سالٹ پمپ, وہاں پر ڈراپ کرنا شروع ہو جائے گا. تو ابھی تک اس طرح کی کنسٹرکشن میں نے یہاں پر نہیں دیکھی. دیکھنے سے نہیں, یہاں پر تو دیکھی ہے, میں کہوں پاکستان میں نہیں دیکھی. میں کہہ رہا تھا یہ بندہ دیکھنے سے سعودی لگ رہا ہے, پہلے سے پاکستانی سمجھ رہا تھا. اوپر چڑھے. ہاں شکلیں تو ایک جیسی ہوتی ہیں, لباس اگر وہ پہنا ہوتا تو سعودی نہیں ہو سکتا, یہ مصری ہو سکتا ہے. یہاں پر جو سخت جان کام ہوتے ہیں نا, یا تو مصری کرتے ہیں یا پٹھان کرتے ہیں اکثر, یا پنجابی بھی کرتے ہیں پاکستان کے. بنگالیوں کو 90% کتنا ڈینجر زون کے اندر ہے وہ آدمی, کوئی بیلٹ ویلٹ بھی لگائی ہوئی نہیں ہے. نیچے کوئی سیفٹی بھی نہیں ہے اگر یہاں سے گر گئی ہے تو. اب جیسے یہ ٹاپ پر ایک آدمی کو چڑھایا ہے, ٹھیک ہے, ایک لائف ہے اس کو چڑھایا ہے, اور پائپ سے وہ ہو رہا ہے. اب اسی پائپ کو جتنا بڑا یہ سرکل ہے جس میں گھما گھما کر ڈال رہا ہے, ٹھیک ہے, اس سائز کی ہم ایک جیسے پلاٹر ہوتے ہیں نا وہ بنا دیں, اسکیل بنا دیں, اور یوں موو کر کے وہ چاروں طرف ایکولی ڈالیں. شاید یورپی ممالک کے اندر, امریکہ وغیرہ کے اندر اس سے زیادہ بہتر وہ ہوتی ہوں طریقہ کار. اس نے روکا کہ بس روک دیا. پانچ ہی بچ جائیں گے, نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. میں ہی فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں نا اتنا تفصیل سے کام. تمہارا کتنا ایکس جاتا ہے؟ 6 جاتا ہے اور تصویر میں 10 جاتا ہے. تو 6 تو میرا بھی اچھا. اچھا میرا تصویر میں بھی 6 جاتا ہے, اس میں بھی 6 جاتا ہے. اچھا ویڈیو میں بھی. چلو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, ہم نکلے ہیں. تھوڑا سا یہاں سے دکھا دو, یہ اس میں سے نا وہاں مال ڈال رہے ہیں, وہاں سے آن کیا ہے اس کو. ہو گیا کام, اس نے باندھ دیا اس کا منہ. کام پورا ہوا, کیا کام پورا ہوا, ہٹاؤ موٹر. اس نے اٹھانے شروع کیے اور اب یہ نارملی اپنے اترے گا کہاں سے. بیچ میں تو بھر دیا, سائڈ سے چڑھا تھا وہاں پر, اس طرح سیڑھی لگی ہوئی. چلو اس کو اترنا, پورا اترنے کو ریکارڈ کر لو. جتنی دیر میں بندہ اترے گا اتنی دیر میں گاڑی بھی جائے نا فولڈ ہو جائے گی. اس کے اندر کتنے لیور لگے ہوئے ہیں, یہاں سے تو کھڑا ہوتا ہے ایک, یہاں سے تو اس کا فولڈ ہونا دیکھو بس.
बंदा तो नहीं उतरना शुरू हुआ, लेकिन अभी ये सपोर्ट कर रहा है कहाँ कहाँ से करेगा, कितने शॉक एब्जॉर्बर्स लगे हुए हैं, जितने शॉक एब्जॉर्बर्स लगे हुए हैं उतने हिसाब से वो फोल्डिंग करेगा। एक एंसंगल पर होगा, दूसरा एंसंगल पर होगा, तीसरा एंसंगल पर होगा, चौथा एंसंगल पर होगा। पहले वो पूरा नीचे उतार रहा है वो जो वो भी एस्फाल्ट का ट्रक खड़ा हुआ है लेफ्ट पर। बंदे क्यों इसके पीछे पीछे जा रहे हैं, इनको पकड़ना है, इसको लटकना है, इसके ऊपर क्या करना है? अच्छा, ये ऊपर खड़ा हुआ था ना, तो अब वो देखो स्प्रे कर रहा है, सारा जो है ना वो निकाल रहा है जो उसके अंदर पाइप में फंसा हुआ था। मजा आ रहा है, पाइप खाली करना है ताकि वो जम ना जाए पाइप। फिर फोल्ड करेगा, इसको भी नीचे लटाएगा थोड़ा सा। वो ट्रक निकल गया जो एस्फाल्ट का ट्रक था, वो चला गया। अब एस्फाल्ट पानी चाहिए, अब वो अपने पाइप को खाली कर रही है। हवा भी मार रहा है, जैसे वो हमारी वॉशिंग मशीन पर निचोड़ती है ना हवा मार मार के तेज घूम के, ये अंदर से हवा मार रहा है, अभी भी निकल रहा है पाइप में से। ऐसे में उसको अपना पूरा पाइप खाली कर, नहीं तो पाइप ब्लॉक हो जाएगा। अगर ये जम जाएगा ना अंदर ही अंदर तो पाइप ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर तो उस हिसाब से उसको पानी मार, पानी भी मारना चाहिए उसके अंदर, तो जो भी उसका हिसाब होगा फिर वो फोल्ड करेगा। चलो जी, बहुत देर हो गई, अब हम चलते हैं। वो देखो वहाँ पर भी कोई छत वत पड़ी है किसी घर की, वो इसी पट्टी पर आ गई, वो इसी इसी गली में ना आ गई घर। आ रही हो? आ रही है। आ गई कैमरे में? हाँ। वो किसी घर की छत डाल रहा है। कल हम निकलेंगे ना 4 बजे निकल आएंगे और इसी इन गलियों के अंदर फिरेंगे जहाँ जहाँ कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह, और वहीं हमको रिकॉर्ड करेंगे। इतना प्यारा लग रहा है, इसमें भी अच्छा कलर आ रहा है। गाड़ी रोकूंगा तो कौन सी पानी है? डॉज रेड पुराना हो गया आवाज। हार्ले डेविडसन की बहन है ये। हां, अरे कल तो हार्ले भी थी तो मेरे को भी नहीं दिखना कल वाली मूवी, रियाद की मूवी बनाई है। आप सबकी बातें आ रही थी, मैं देख ली। देखी नहीं? हाँ, उठ के तो देखी थी मैंने, सनसेट देखे, इतना अच्छा लग रहा है। Thank you.
इधर इसलिए मुड़ जाए कि सूरज डूबते नजर आ जाएगा वहाँ पर।